लंबी तैयारी के बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए उठाया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब मिश्रा मुंह खोलेंगे तो ऐसे ऐसे राज सामने आएंगे जो सभी को चौंका देंगे। पंकज मिश्रा से मिली सूचनाओं के आधार पर ईडी की टीम ने अब साहेबगंज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईडी की टीम ने जहां मारीकुटी पहाड़ पर मां अंबा स्टोन वर्क्स के क्रशरों को जब्त किया तो ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा के दाहिने हाथ माने जाने वाले दाहू यादव के 35 करोड़ के मालवाहक पानी जहाज को भी जब्त कर लिया। जहाज अब थाने के सुपुर्द कर दिया गया है क्योंकि 35 करोड़ के जहाज के मालिक होने के बावजूद वो और उनके कर्मचारी कुछ भी बता पाने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं, ईडी की टीम ने वो तमाम प्रमाण जुटा लिए हैं जिसके जरिए वहां हर महीने करोड़ों का वारा न्यारा किया जा रहा था, क्योंकि जांच में यह भी पता चला कि वहां के पत्थर माफियाओं ने तय मानक से ज्यादा पावर की मशीनें लगा रखी थी जिससे उत्पादन भी हर दिन 20 गुना ज्यादा हो रहा था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। पंकज मिश्रा ने ईडी टीम को बताया है कि साहिबगंज का मशहूर पत्थर व्यवसायी कृष्णा शाह है जो बीजेपी के समर्थक बताए जाते हैं और बीजेपी सरकार के दौर में पत्थर लूटकर बिहार और बांग्लादेश भेजा करते थे। लेकिन स्थानीय सूत्र बताते हैं कि जैसे ही बीजेपी के बाद हेमंत सोरेन की सरकार आई तो पंकज मिश्रा ने पूरे कारोबार पर कब्जा कर लिया और पुराने पत्थर व्यवसायी भगवान भगत को सरकारी संरक्षण देकर कमाई में अपनी हिस्सेदारी तय कर ली, जिसके बाद अगर कोई भगवान भगत की मर्जी के खिलाफ माल लूट करने की हिमाकत करता भी था तो डीएमओ को सूचना देकर माल अवैध करार देकर उसे जब्त करा दिया जाता था। कुछ ऐसी ही हिमाकत पत्थर व्यवसायी शंभुशरण भगत ने कर डाली थी, जिसे पंकज मिश्रा ने मंत्री आलमगीर आलम को कॉन्फ्रेंस कॉल पर रखकर धमकी दे डाली, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने पहले पुलिस को दी, फिर वहां से इंसाफ नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में गुहार लगाई और अब हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। भगवान भगत ने पूरे व्यापार पर कब्जा जमाया तो पंकज मिश्रा के दाहिने हाथ दाहू यादव ने अवैध खनन के पूरे धंधे पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। माना जा रहा है कि ईडी की टीम ने खनन पदाधिकारी और वन पदाधिकारी के दफ्तरों को खंगालने के क्रम में जो जानकारी और प्रमाण जुटाए हैं वो हर दिन हुए करोड़ों के खेल को साबित कर रहे हैं। ऐसे में ईडी आने वाले दिनों में जो खुलासे करेगी, जाहिर तौर पर वो न सिर्फ चौंकाने वाले होंगे वरन पिछले 2 साल के दौरान किए गए अरबों के वारे न्यारे को भी साबित करेंगे। इतना ही नहीं, पंकज मिश्रा के मोबाइल खंगाले जाने के दौरान सीएम हेमंत के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू का नाम भी सामने आया है, जिनके बारे अब कहा जा रहा कि पंकज मिश्रा ने उन्हें भी हिस्सेदारी देने की बात ईडी के पास स्वीकार ली है। वहीं उनके नाम से माइंस भी आवंटित रहने के तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद अब ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए 1 अगस्त को तलब कर लिया है, जो आने वाले दिनों में सीएम हेमंत के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है। न्यूज़ बायस्कोप के लिए साहेबगंज से अमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट रांची।